गौरतलब हो कि बीते 19 अक्टूबर को बागेश्वर जिले के कांडा तहसील से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया था, जहां पर एक पोस्टमास्टर ने करीब 1500 खाता धारकों के लाखों रुपए उड़ा लिए थे, जिसके कारण कई खाता धारकों के खाते की धनराशि शून्य हो गई है। इतना ही नहीं बल्कि पोस्टमास्टर पर खाता धारकों के कई करोड़ रुपए लेकर फरार होने का आरोप भी लगा था, जिसके चलते आक्रोशित लोगों ने जमकर हंगामा किया, जिसके बाद अब डाकखाने के पोस्टमास्टर को दोषी मानते हुए पद से निलंबित कर दिया गया है। अभी तक मिली जानकारी के अनुसार अल्मोड़ा जिले के डाक अधीक्षक राजेश कुमार बिनवाल बागेश्वर जिले के सिमगड़ी गांव का भ्रमण करने के लिए निकले। इस दौरान उनके साथ सीओ अंकित कंडारी और पुलिस कर्मचारी भी गाँव पहुँचे थे, जहाँ पर डाक अधीक्षक पहले कमेड़ी देवी गए और उसके बाद ग्रामीणों को समझाने के लिए सिमगड़ी गाँव पहुँचे। उनके गाँव पहुँचते ही ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। ग्रामीणों ने पोस्टमास्टर पर गबन का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। हालांकि पुलिस की मौजूदगी और डाक अधीक्षक के समझाने के बाद ग्रामीण शांत हो गए। डाक अधीक्षक ने ग्रामीणों को बताया कि वह उनकी समस्या सुनने ही आए हैं और डाकखाने में जो भी गड़बड़ी हुई है उसकी विस्तृत जांच की जाएगी। करीब एक घंटे तक समझाने के बाद ग्रामीण माने और उन्होंने जांच जल्द कर गबन किए गए रुपए लौटाने की मांग की है। वहीं दूसरी ओर डाक अधीक्षक बिनवाल ने मीडिया बातचीत में बताया कि पोस्टमास्टर ग्रामीण डाक सेवक सुरेंद्र पंचपाल की भूमिका प्रथम दृष्टया दोषपूर्ण पाई गई है, जिसके चलते उन्हें पद से निलंबित कर दिया गया है। इसके अलावा अग्रिम कार्यवाही भी चल रही है। बने रहिए पहाड़ से मैदान की हर खबर के लिए देवभूमि दर्शन के साथ।